दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ते हैं ना तब भी आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इसीलिए आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और इसका यूज यार करा क्यों जाता है और इसकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी चीजें दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। इसका एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका परिभाषा भी बना सकते हैं इसी से कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि ये कर्ण लंब और आधार है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये समकोण त्रिभुज में यूज होता है, इसके अलावा कहीं भी इसका यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम एक अच्छा समकोण त्रिभुज क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक त्रिभुज हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके का त्रिभुज दिखाई दे तो वो होता है समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज। अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर ए बी सी। अभी हम समझ रहे हैं कि कर्ण लंब और आधार क्या होता है, तो इसको समझते हैं भाई। तो इसमें देखते हैं तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इस त्रिभुज में। तो अगर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो लगभग बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भुजा ये वाली यानी कि ए सी, ये भुजा सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है ना। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों वो, इसी का नाम रख दिया गया है कर्ण, ठीक है। क्या रख दिया गया है, कर्ण, ठीक। अभी आधार और लंब, तो भाई आधार, आधार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे पेड़ कहां पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, लेकिन उसको आधार कहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जो होता है, तो आधार आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब कर्ण लिख लिया, आधार लिख लिया, तो अब जो बचा हुआ है भाई वो लंब हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर लंब हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात दोस्तों यह है कि ये जो कर्ण है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो लंब और आधार हैं कभी कभी आपस में चेंज भी हो जाते हैं। तो यहां पर कर्ण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। बात इतनी समझ में आ गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज क्यों किया जाता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, ठीक है, वो स्कूल से जाते हैं। पहले हम स्कूल, यहां पर मान लीजिए स्कूल है, स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां से पहले जो दोस्त का घर है यहां पर है, मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर, ठीक है, और दूसरे का इसके घर से 3 किलोमीटर घर दूर है। बात समझ में आई? अब अगर ये तो मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि स्कूल से डायरेक्ट इस वाले दोस्त, मान लीजिए इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, तो इस वाले दोस्त के घर से स्कूल की डायरेक्ट दूरी कितनी है, मान लीजिए यहां से पूछ रहे हैं, यहां से तो बताएंगे कि आप 4 + 3 करके 7 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लीजिए कि डायरेक्ट अगर ऐसे सीधे जाए तो कितने किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। अभी इसको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो कर्ण है, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये जो दूरी हमको निकालनी है दोस्तों, ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब ये जो देखिए सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको भी लंब ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं आधार, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जब तक आपको इसमें कहीं भी एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे इसको निकालेंगे ये दूरी, तो इसी का यूज करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं। पहली चीज तो आप इसको नापना शुरू कर दिए, ठीक है, यहां से नापना शुरू कर दिए, ये तरीका है। दूसरा है कि भाई आप फार्मूला लगा लीजिए बैठकर कुर्सी पर आराम से, तो जो आसान रहेगा वही हम लोग करेंगे। तो आसान यही है कि हम फार्मूला लगा लें और इसकी दूरी निकाल लें। तो क्या करेंगे भाई, हमको किसका क्या निकालना है, दूरी तो निकाल लें लेकिन अभी फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए पहले यहां पर हम इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, देखिए यहां से, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लंब है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको लंब मान लिया है, ये आधार हो जा रहा है और ये कर्ण है। मैंने बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण। अभी क्या करना है भाई, हमको कर्ण निकालना है। तो यहां पर देखिए कर्ण तो हमको पता नहीं है, लंब कितना है भाई, चार है, तो जो फार्मूला उसी में हम रख देते हैं बस। देखिए बहुत आसानी से होगा, लंब कितना है, चार है, यानी कि लंब का स्क्वायर है तो चार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में है प्लस तो प्लस लगा देते हैं। आधार कितना है, तीन है, इसमें देखिए आधार का स्क्वायर है तो तीन का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कर्ण का स्क्वायर भी साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चार का स्क्वायर कितना होता है, चार चौके 16 प्लस तीन त्रिका 9, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 हो जाएगा 25, ठीक है। अभी कर्ण बराबर देखिए यहां पर ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, यानी कि ये बराबर में रूट 25 हो जाएगा दोस्तों। अब ये रूट 25 का जो मान होता है वो होता है भाई 5, तो कर्ण बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5। यानी कि भाई जो पहला दोस्त था स्कूल से उसकी दूरी पड़ती थी 4 किलोमीटर, लेकिन उस दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर की दूरी कितनी पड़ती थी, 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर डायरेक्ट जो दूरी थी अगर उसको देखा जाए निकाला जाए तो वो आएगा 5 किलोमीटर, यहां तो वैसे ही जाता है, ठीक है, 7 किलोमीटर अगर इसको यहां से जाना होगा तो पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट दूरी निकालनी हो आपको तो इस तरीके से निकालेंगे और आ जाएगा 5। अगर आप नापने भी जाएंगे तब भी आपको 5 किलोमीटर ही मिलेगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया ना। इसी तरीके से बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, बहुत से रियल लाइफ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि पाइथागोरस प्रमेय आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, इसकी सवालों को समझ में आएगा और क्यों यूज करते हैं इसको भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।